हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह हूँ। आज हम 8 क्लास के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है हमारे पास हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारे पास जो है नेटवर्क, ये सभी प्रकार के हमारे पास नेटवर्क, वन बाय वन हम स्टेप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका यूज कहाँ पे है और किस तरह से यूज होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन हमारा होता क्या है। अब कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन में दो चीजें आती हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास सेंडर और एक होता है रिसीवर। क्लियर स्टूडेंट? सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर का मीनिंग ये होगा कि जो हमें भेज रहा है, जो हमें भेज रहा है, और सीवर का मीनिंग होगा जो ले रहा है, जो ले रहा है। क्लियर स्टूडेंट? कम्युनिकेशन अबाउट वन पर्सन टू अनदर पर्सन मीन्स दो बंदों के बीच में बातचीत करने का तरीका, तो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो कम्युनिकेशन के बाद हम अब बात करेंगे नेटवर्क की। नेटवर्क हमारे पास क्या है, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं हमारे पास और किस तरह से ये वर्क करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम नेटवर्क के पास चलते हैं कि नेटवर्क जो है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है हमें, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये हमारे पास जो नेटवर्क है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अगर आप उसके डायग्राम की बात की जाए तो आप यहां पे देख रहे हैं, एक हमने यहाँ पे लिया है लैपटॉप, एक लिया है वायरलेस कीबोर्ड और एक मोबाइल फोन हमने यहाँ अटैच किया है, और यह है हमारा पीडीए मोबाइल फोन के साथ, प्रिंटर हमने साथ में अटैच किया है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक लैपटॉप के साथ हमने ये पर्सनल एरिया मींस, कहने का मतलब है पैन जिसको हम बोलते हैं, हमने एक लैपटॉप के साथ सभी को कनेक्ट कर रखा है। ये कह ले कि ये सभी लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो रखे हैं, चाहे हमारा मोबाइल फोन हो, मोबाइल फोन हम वायरलेस जैसे अपना वाईफाई के लिए यूज करते हैं, जैसे हम वायरलेस फोन और प्रिंटर भी हम आज के समय में वायरलेस यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि फोन के अकॉर्डिंग ही आज के समय में हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? उसके बाद चलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या आ जाता है दोस्तों, कि जैसे हमने लोकल एरिया नेटवर्क में यहां पे लिया है, यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, नेटवर्क जो है हम वो शॉर्ट फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म है। मान लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क क्या है हमारे पास, जैसे कि हमने ओनली वन पीसी यहां पे अटैच किया है, हम इसको पीसी वन या मेन सर्वर भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम सर्वर भी इसको हम लिख सकते हैं, पीसी भी लिख सकते हैं। जैसे हमने एक ही पीसी के साथ कई सारे पीसी, मान लीजिए पीसी हमने इसको पीसी वन लिखा है, लेकिन हम इसको मेन सर्वर लिख सकते हैं, अभी पीसी वन नहीं लिखेंगे, इसको मेन सर्वर लिख दिया हमने। जैसे यहाँ पे लिखा है पीसी वन और ये हो गया हमारा पीसी टू, ये हो गया हमारा पीसी थ्री एंड ये हो गया हमारे पास पीसी फोर। तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का जो है
पीसी वन, पीसी टू, पीसी थ्री, पीसी फोर, हमने एक एरिया बना दिया लोकल एरिया कि ये जो मेन सर्वर के साथ वन पीसी टू नदर पीसी कनेक्ट हो जाएंगे हमारे, तो ये हमारा एक नेटवर्क बन गया है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक ही पीसी के साथ हमने ये सभी पीसी कनेक्ट कर दिए हैं, ये है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है दोस्तों? इसके लिए हमारे पास, हमें अगर बात करें मॉडम, इसके लिए हमारे पास होता है एक मॉडम, हब और एक नेटवर्क या नेटवर्किंग वायर जिसका हम यूज करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। मॉडम और हब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या है, हम आपको बताते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क किस तरह से होता है। हमने यहां पे लिखा है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या है कि जैसे हमारे पास ए ब्लॉक से हमने बी ब्लॉक में डाटा सेंड करना है या हमने नेटवर्किंग करनी है नेट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा है ए ब्लॉक और ये है बी ब्लॉक। हमने ए ब्लॉक से सेंड करना है, ये हो गया सेंड करने के लिए, ठीक है जी, और ये हो गया हमारे पास रिसीवर के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमने एक ब्लॉक बना दिए हैं, ए बी ब्लॉक बना दिया, आप सी डी ब्लॉक भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमने एक नेटवर्क जो है हमारा वो हमने सेंड करना है, मींस एक डाटा को कैसे सेंड किया जा सकता है, एक वन पीसी टू अनदर पीसी को डाटा से कैसे सेंड किया जा सकता है उसके लिए, तो हमने ए से बी ब्लॉक में इस डाटा को सेंड कर दिया है। क्लियर है? आगे चलते हैं।